हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सुविनियन के बारे में, जो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस रेड वाइन ग्रेप है। फ्रेंड्स, 17वीं सेंचुरी में जब साउथ वेस्टर्न फ्रांस में दो ग्रेप प्लांट्स के बीच एक्सीडेंटल क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो उससे एक नई ग्रेप वेराइटी का जन्म हुआ, जिसे आज हम कैबिनेट सुविनियन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये क्रॉस ब्रीडिंग कैबिनेट फ्रांस और सुविनियन ब्लां के बीच हुई, जिससे पूरी दुनिया को सबसे बेस्ट वाइन ग्रेप वेराइटी मिली। फ्रांस के बोर्डो रीजन से वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कैबिनेट सुविनियन आती है, और सामान्यतः इसे मैलॉट के साथ ब्लेंड भी किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड बोर्डो ब्लेंड के नाम से फेमस है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में 60% पॉपुलेशन के द्वारा रेड वाइन का कंजप्शन किया जाता है, जिसमें से 18% कैबिनेट सुविनियन का एक ग्लास रोजाना इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया की नापा वैली में भी इसे काफ़ी मात्रा में ग्रो किया जाता है। 20वीं सदी तक कैबिनेट सुविनियन को द ग्रेट कॉलोनाइजर के नाम से भी जाना जाता था, परंतु 1990 में मैलॉट ने इससे यह खिताब छीन लिया। फ्रेंड्स, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह ग्रेप काफ़ी डेंस, डार्क और टैनिक होता है। टैनिन की अधिक मात्रा होने के कारण यह काफ़ी ड्राई होता है, तथा इसमें अल्कोहलिक परसेंटेज 13.5 से 16% तक हो सकता है। अगर इसके फूड पेयरिंग की बात की जाए तो ड्राई टेस्ट होने के कारण इसको हैवी फूड आइटम्स के साथ सर्व किया जाता है। लैम्ब, पोक, व्हील और एनी टाइप ऑफ रेड सॉस पास्ता इसमें प्रमुख हैं। सामान्य रूप से 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में इसे सर्व किया जाता है, तथा अरोमा और फ्लेवर में चेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और प्लम का यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अंत में हम बात करते हैं इसे पहचानने के बारे में। कैबिनेट सुविनियन बेसिकली बेल पेपर, ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर कॉर्न का टेस्ट देता है, और टंग और पैलेट में इसकी हाई एस्ट्रिंजेंसी को इजीली महसूस किया जा सकता है, जिस कारण से ही यह ग्रेप वर्ल्ड वाइड अपने स्ट्रॉन्ग टेस्ट के लिए सम्मानित किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।